हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल विक्के की पावर में। तो दोस्तों, दो दिन के लिए बनी कलेक्टर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लोग बोल रहे हैं कि दो दिन के लिए बनी कलेक्टर निर्मला चौहान ने अपना ईमान बेच दिया है पैसों के लिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। निर्मला चौहान ने खुद ने कहा है कि मुझे बहुत से लोग पैसे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं। मुझे पता है कि गरीबी कैसी होती है और गरीबों को सरकार कभी अपना हक नहीं देती है, और मैं इन दो दिनों को ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी। इन दो दिनों में मुझसे जितना हो सकता है गरीबों के लिए उतना करूंगी मैं, और जितने भी गरीबों को अपना हक नहीं मिला है उन्हें सभी को अपना हक दिलाने की कोशिश करूंगी मैं। और मैंने गरीबों के लिए आवाज उठाई तो सरकार ने मुझे दो दिन के लिए कलेक्टर बनाया है, तो मैं ऐसे पल को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इन दो दिनों में गरीबों के विकास के लिए बहुत कुछ करूंगी मैं। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हो कि निर्मला चौहान की सोच कितनी अच्छी है। ऐसी सोच सभी सरकारी कर्मचारी रखे तो इंडिया का बहुत कुछ हो सकता है और गरीबों को अपना हक मिल सकता है। तो दोस्तों, हम सभी को भी निर्मला चौहान का सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो बहुत आगे तक जा सके। और निर्मला चौहान बहुत गरीब फैमिली से है, तो उन्हें पता है कि गरीबी कैसी होती है। तो निर्मला चौहान आगे तक जाती है तो हम जैसे गरीबों का फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, निर्मला चौहान की ऐसी सोच के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप भी अगर निर्मला चौहान को सपोर्ट करते हो तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। जय आदिवासी।